नई रेसिपी और किचन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले जानकारी के लिए घंटी को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज मैं आई हूं एक ऐसी रेसिपी के साथ जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटका कुल्फी। मटका कुल्फी को सिंपली मैं घर पर दूध से ही बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी मटका कुल्फी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है कुछ ही टाइम में। और अगर आप वीडियो में बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी मटका कुल्फी जो है वो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मटका कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध, और ये मैंने अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है। आप किसी भी कंपनी का दूध ले सकते हैं, लेकिन जो दूध है वो फुल क्रीम होना चाहिए, उससे जो कुल्फी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी के साथ ही मैंने ये 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई के लिए हैं, घर की मलाई है जो दूध से हम उतारते हैं। और इसकी जगह पे आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं, जो मार्केट की क्रीम मिलती है। और साथ ही में मैंने लिया है 50 ग्राम खोया। खोया जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और लेकिन इससे जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने लिया है ये मिल्कमेड, और मिल्कमेड जो है वो मैं 1/4 कप यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा मीठा पसंद हो तो कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिल्कमेड नहीं है तो आप इसकी जगह पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मिल्कमेड से जो कुल्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने लिया है इलायची का एसेंस, इससे जो है इसमें खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी इलायची वाली। आप चाहें तो वनीला एसेंस या जो भी एसेंस आप यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही लिया है मैंने कुछ पिस्ता की कतरन, और ये मैंने लिया बादाम की कतरन, और 2 से 3 छोटे चम्मच इलायची पाउडर। ये मैंने 8-10 इलायची को कूट कर बनाया है। तो इनके साथ ही हम बनाना शुरू करते हैं मटका कुल्फी। कुल्फी बनाने के लिए मैंने इस तरह की बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है। आप किसी भी तरह का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक होता है तो उसमें दूध चिपकता नहीं है, और कढ़ाई में दूध जो है वो बाहर आने का डर नहीं रहता। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध डालेंगे, और गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है। और दूध में हम एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लग गया है, अब हमें दूध को इस तरह से हिलाते हुए मलाई को जो है वो साइड कर देना है, और इस तरह से हमें कंटिन्यू दूध को जो है हिलाते रहना है। दूध को बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ जो दूध है वो नीचे चिपक जाएगा बर्तन में और जलने लग जाएगा। और इस तरह से हम इसे 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। लगभग 7 मिनट हो गए हैं, और 7 मिनट से हम कंटिन्यूसली दूध को इसी तरह से हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। आप देखेंगे कि दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। और अब जो हमने ये मलाई ली थी, अब इसे भी मैं दूध में डाल दूंगी। दूध जो है वो हमने ऑलरेडी फुल क्रीम दूध ही लिया है, लेकिन मलाई या क्रीम डालने से इसमें जो और अच्छा गाढ़ापन आ जाता है और दूध थोड़ा जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और अब हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते हुए पकाएंगे इसी तरह से ही, जब तक कि दूध की क्वांटिटी जो है वो आधी नहीं हो जाती। और दूध को जो है लगातार चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ दूध जो है वो नीचे तले में चिपक जाएगा तो कुल्फ़ी का जो मटेरियल है वो जल जाएगा। और इसे लगातार हिलाते रहें, और नॉनस्टिक बर्तन में अगर आप बना रहे हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं आप इसे हिलाना, लेकिन अगर आप इसे स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यूसली हिलाएं। तो अब हम इसे आधा होने तक पकाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हम दूध को कंटिन्यूसली इसी तरह से हिलाते हुए हमने पकाया है, और जो आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी जो है वो आधी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, और अगर आप कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप चीनी भी इसी स्टेज पे ही डालिए। कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी आप मीठा अपने जिस हिसाब से आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, और साथ ही मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी इलायची एसेंस की। और इसमें कुछ ड्रॉप्स मैं डाल रही हूँ फूड येलो कलर की, इससे कुल्फ़ी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसे वाइट कलर में भी रख सकते हैं, लेकिन इस कलर की वजह से बहुत अच्छी दिखती है ये कुल्फ़ी। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से ही मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद लगभग 10 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से ही लगातार चलाते हुए पकाया है। और अब मैं इसमें जो बाकी के हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दूंगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता, और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन जो है वो हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम, और इसी तरह से ही थोड़े से बादाम जो है वो हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब हम इस पिस्ता और बादाम को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे मावा।
या खोया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। खोया डालने से जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हम इसे 2 से 3 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर ही लगातार पकाएंगे ताकि जो मावा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मावा डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे मैंने फुल फ्लेम पर कंटिन्यूसली हिलाते हुए पका लिया है। आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ये इस तरह की जो गांठें हैं वो बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर कोई गांठ है तो उसे आप अच्छे से मैश कर दें कि मावा जो है वो थिक नहीं रहे, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अब ये हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। जब आप इसे इस तरह से कड़छी पर लेंगे तो इस तरह का दानेदार मिश्रण आपकी कड़छी पर आएगा, तो मतलब कि ये हमारा बैटर जो है वो कुल्फ़ी में बनने के लिए रेडी है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको मटका कुल्फ़ी को बिना किसी मोल्ट के हमें मटके में ही जमाना है, उसका एक अलग तरीका है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और इसे हम ठंडा करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से आपको इसे जमाना है। कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया है और कुल्फ़ी के मिक्सचर को बनने में हमें टोटल 45 मिनट्स लगे थे और 15-20 मिनट में इसे हमने ठंडा कर लिया है। और ये देखिए कि कितना थिक मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये देखिए कि कितना ज़्यादा थिक हो गया है। और अब हमें इसे मोल्ड में जमा के कुल्फ़ी बनानी है। तो अगर आपके पास मोल्ड्स हैं तो आप उसे मोल्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो मटका कुल्फ़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह के मटके का यूज़ किया है। आपके पास जिस तरह की भी मटकी अवेलेबल हो आप उसमें कुल्फ़ी जमा सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये सब मटकी में नीचे थोड़ा थोड़ा जो हमने बारीक काट के रखा था पिस्ता और बादाम वो डाल लूँगी और इस मटके के ऊपर हम इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को डालेंगे। इससे जब हम कुल्फ़ी निकालेंगे तो नीचे की साइड पे हमें जो पिस्ता और बादाम मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह से जो मैंने ये मटका है वो तैयार कर लिया है। और अब हमें इसे इस तरह से पैक करना है कि इस पे जो हमारे बर्फ़ है वो नहीं जमे जब हम इसे फ्रीजर में रखें। तो इसके लिए मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर को इस तरह से काट लिया है और इसको इस तरह से मटकी को हम अच्छे से कवर कर देंगे इससे, तो इससे जो बर्फ़ है वो मटकी में नहीं जाएगी और हमारी कुल्फ़ी जो है वो उसमें बिल्कुल बर्फ़ नहीं आएगी, अच्छे से कुल्फ़ी जमेगी। और इसे टाइट करने के लिए मैं रबड़ बैंड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से जो हमारी कुल्फ़ी है वो बनने के लिए रेडी है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे और इसी तरह जो बाकी की कुल्फियाँ हैं उसमें भी मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट इस तरह से डालते हुए और कुल्फ़ी का मिक्सचर इसमें डाल दूंगी और इस तरह से मटकियाँ जो है वो मैं तैयार कर लूंगी। 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद हमने इन्हें निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की हमारी जो कुल्फ़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी मलका कुल्फ़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं, और इस कुल्फ़ी के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, तो बहुत ही अच्छी ये कुल्फ़ी बनी है। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की कुल्फ़ी भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमारी मटका कुल्फ़ी जो है वो बनकर रेडी है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे इसी तरह से ही सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे कटिंग करके प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक कुल्फ़ी सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक कुल्फ़ी ली है और साइड में इस तरह से आप हल्का सा प्रेस कीजिए, और क्योंकि 2 या 3 मिनट हो गए हैं उसे मुझे फ्रिज में से निकाले हुए तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसने किनारे छोड़ दिए हैं। और इस तरह से ये हमारी बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे इसी तरह सर्व करें या फिर आप इसे इस तरह से पीसीज में कट करके भी सर्व कर सकते हैं। ये हमने इसे इस तरह से पीसीज में काट लिया है और इसे मैं ऊपर से गार्निशेस कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता की कटिंग के साथ और थोड़ी सी रोज़ पेटल्स के साथ। इस तरह से आप इस कुल्फ़ी को सर्व कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्टली इस तरह से इसे मटके में भी सर्व कर सकते हैं। मटका कुल्फ़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टी मटका कुल्फ़ी बनी है कि मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ मटका कुल्फ़ी को खाने के लिए। और आप भी मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इसकी इमेजेस ज़रूर शेयर कीजिएगा यूमी एंड फूड के पेज पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।